स्वागत करती हूँ। आज मैं आपकी बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के ये क्वेश्चन है कि उनके जो हेयर हैं वो बहुत ही बेजान रूखे से हो गए हैं और बहुत डल हो गए हैं, और जो हेयर फॉल है उसकी समस्या पड़ गई है। तो हेयर है वो बहुत सफ़ेद हो रहा है, तो हमारे हेयर में ग्रोथ नहीं हो रही है, इन सभी के लिए हम क्या करें? तो इन सभी का सिर्फ एक ही है उपाय, हेयर स्पा या हेयर केयर। इसे अगर आप अपने बालों की अच्छे से हेयर केयर करती हैं तो सारे समस्या का समाधान चुटके में हो जाएगा। तो आज मैं बताऊंगी इजीली तरीके से और बहुत टू इंग्रेडिएंट्स मिला के आप अपनी हेयर की जो है देखभाल कैसे कर सकती हैं इजीली तरीके से। लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल अब भूलिएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बताती रहती हूँ जो आपके बहुत ही यूज के हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और फ्रेंड सब शेयर करना, उससे ख़त्म हो जाएगी। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर स्पा करते समय अपने बाल को एकदम क्लीन कर लें। तो मैंने अपने बाल को क्लीन कर लिया और इसमें थोड़े से ऑयल भी लगा लिया है। मैंने कोकोनट हेयर ऑयल का यूज़ किया है इसमें, और वो भी पतंजलि का हेयर ऑयल बिल्कुल नेचुरल है। इसमें सिर्फ प्योर कोकोनट ऑयल ही है। यह बालों का जो ड्राइनेस है उसको दूर करता है और हमारे हेयर से जो डैंड्रफ है उसको भी रिमूव करता है। यह हमारे बालों के ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारा जो हेयर है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उनके लिए ये पतंजलि का कोकोनट हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल है। हम अपने बालों की मसाज 10 मिनट तक करेंगे, क्योंकि हेयर मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेयर के लिए। तो हेयर मसाज करते समय जो हमारा स्पीड है वो हम बहुत तेज़ नहीं करेंगे, और धीरे धीरे उंगलियों की पोरों से हम इसको मसाज करते रहेंगे। मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारा स्कल्प जो है वो अच्छा रहता है। तो मसाज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए और हमारे रूट से लेकर लेंथ तक हमारे जो ऑयल है अच्छे तरह लग जाने चाहिए। तो मैंने लगा लिया है। अब हमारा सेकेंड स्टेप है स्टीम। स्टीम करने के लिए आप एक बड़े से बर्तन में पानी को गर्म कर लीजिए और उसमें एक तौलिया को डिप करके उसे इस तरह निचोड़ लीजिए और अपने इस तरह हेयर में अच्छी तरह कवर कर लीजिए। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसे स्टीम ले सकती हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह तौलिए से अपने बालों को स्टीम दे सकती हैं। स्टीम हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इससे जो हमारा ओपन जो हमारा पोर्स है वो ओपन होता है सिर का, और साथ ही जो हमारा सारा ऑयल है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बालों में, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रोसेस को हम 15 मिनट कम से कम रखेंगे अपने बालों पे। उसके बाद इसको हम सेकेंड जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हम करेंगे। तो बस चलिए वेट करते हैं 15 मिनट। फिफ्टीन मिनट हो गए हैं। अब हम टॉवल को अपने हेयर से हटा लेंगे, इस तरह धीरे धीरे करके हटा लेंगे अपने टॉवल को। और ये देखिए हमारे बाल अच्छी तरह स्टीम हो गए हैं। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो मास्क है, तो हम हेयर मास्क लगाएंगे अपने हेयर पे। मैंने हेयर मास्क के लिए सिर्फ इसमें एलोवेरा जेल का ही यूज़ किया है, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत बेस्ट है हमारे बालों के लिए। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसका जेल बना के अपने बालों में ऐड कर सकती हैं, बट मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है और इसे इस तरह अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कुछ और इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ भी हमारे हेयर के लिए बहुत बेस्ट हैं, हेयर ऑयल और हेयर जो हमारा ये एलोवेरा जेल है हेयर मास्क के लिए, वो ये दोनों चीज़ जो हमारा बाल है रूखा हो गया है, बिजान हो गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उनके लिए तो एलोवेरा जेल बहुत ही बेस्ट है। इस तरह अगर आप अपने बालों पे इस तरह मसाज करते हैं एलोवेरा जेल से, तो जो आपकी वाइटनिंग की समस्या है वो दूर हो जाएगी और हेयर फॉल की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह हम अपने पूरे बालों पे जो हमारा एलोवेरा जेल है उसे अप्लाई करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि हमारे रूट से लेंथ तक ये अच्छी तरह लग जानी चाहिए। और धीरे धीरे अपने सिर पे इस तरह
लगाएंगे ऐसे अच्छी तरह। हमारा जो एलोवेरा जेल है वो पूरे बालों पे अच्छी तरह कवर हो जाना चाहिए। इस तरह देखिए धीरे धीरे करके अपने बालों पे हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसे हम 10 मिनट तक मसाज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंस होता है हमारे हेयर में हेयर मसाज। चाहे आप स्पा करें या ऑयलिंग करें, आप कुछ भी करें, हेयर मसाज बहुत ज़रूरी है हमारे बालों के लिए। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर आप चाहती हैं कि आप किसी भी आप कोई भी टिप्स यूज़ करनी है तो गुड रिजल्ट चाहते हो तो उसके लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। इसलिए मसाज में आप टाइमिंग कम से कम 10 से 15 मिनट तो दीजिए ही अपने बालों को। और अपने बालों पे इस तरह धीरे धीरे प्रेस करते हुए उंगलियों के सेंटर से ऐसे और मसाज कीजिए। बहुत जल्दी जल्दी हम मसाज नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा जो हेयर फॉल है वो हो सकता है। इस तरह बिल्कुल रिलैक्स होके इस तरह उंगलियों के पोरों से प्रेस करते हुए अपने हेड की मसाज कीजिए। ये बहुत अच्छा हेड मसाज है। इससे आपको रिलैक्स तो होगी ही लेकिन ये जो आपको है बहुत अच्छा फील होगा और बिल्कुल हल्का हल्का सा लगेगा। ये शीर है और जब आप ये मसाज करेंगी और उसके बाद जो आप हेयर वॉश करेंगी तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा। ये देखिए मैंने जो हेड मसाज है वो अच्छी तरह कर लिया है। अब मैं इस जो हमारा प्रोसेस है इसको 1 आवर रखूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 आवर भी रख सकती हैं लेकिन मैं इसे 1 आवर ये भी रखूँगी। तो बस इसके बाद जब 1 घंटा हो जाएगा तो फिर इसे मैं धो लूँगी। ये देखिए 1 घंटा हो गया है और जो हमारा मास्क है वो थोड़ा सूख भी गया है, ड्राई ड्राई सा भी लग रहा है। तो चलिए अब हेयर वॉश करते हैं। ये देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है। मैंने शैम्पू से हेयर वॉश किया है क्योंकि ऑयल लगाई थी मैं, तो इसलिए शैम्पू तो इसमें ज़रूरी है करना। तो आप किसी भी शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर सकती हैं। और ये देखिए मेरे जो बाल हैं वो कितने ब्लैक ब्लैक लग रहे हैं, मैं आपको कॉम्ब करके दिखाती हूँ। ये मैंने हेयर वॉश कर लिया और ये देखिए मैं कॉम्ब भी कर रही हूँ। बिल्कुल इजीली तरीके से कॉम्ब भी हो रहा है, कहीं बालों में लम्स नहीं पड़े हैं बिल्कुल। ये देखिए मेरे बाल कितने सुंदर ब्लैक और शाइन कर रहे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल भी ऐसे सुंदर है तो आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक भी हेयर फॉल नहीं हुआ है मेरा कॉम्ब करने से। और देखिए कोई भी नहीं, हाथों में भी एक भी बाल नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव जो हमारा हेयर स्पा है वो है। इसमें मैंने जो कोकोनट ऑयल और ये एलोवेरा जेल लिया है बहुत बेस्ट है हमारे बालों के लिए। और इससे हमारा बाल कितना सुंदर और कितना सुलझा हुआ लग रहा है आप देख सकती हैं कि मेरे बालों पे कितना अच्छा असर किया है ये। और अगर आप चाहती हैं कि ये आपके भी बालों पे असर करे तो आप प्लीज़ अप्लाई करें इस जो हमारा टिप्स है इसको और इस तरह से हेयर स्पा करें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। इससे आपके बाल बहुत खूबसूरत और शाइन करेंगे और जो रूखापन है आपके बालों में वो भी दूर हो जाएगी और बिल्कुल सुंदर और इस तरह खूबसूरत आपके बाल दिखेंगे। तो ये बताया मैंने आपको हेयर स्पा घर पे करना सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है और इससे जो हमारा बाल उस पर काफ़ी असर भी हुआ। और आप ही इसे फॉलो करें, बहुत ही अच्छा ये होगा आपके बाल के लिए और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आपको मेरा हेयर स्पा करने का तरीका कैसा लगा और मेरा जो ये बाल है वो आपको दिखा सर उसको, तो वो सब आपको कैसे लगे, आपको पूरी फुल वीडियो मेरी कैसी लगी और हेयर स्पा करने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। चलिए किसी ने भी सबके मिलते हैं। बाय।